हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके वेद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट संडे में आपको बताया था कि हम हर संडे 3 मार्कर क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मुख्य परीक्षा के जो 3 मार्कर प्रश्न रहेंगे उनको पढ़ेंगे। 3 पॉइंट में कैसे लिखते हैं, क्या कहाँ कहाँ से 3 मार्कर बन सकते हैं, हम हर वो टॉपिक को लेंगे जहाँ से बन सकते हैं और सिलेबस के हर टॉपिक से संबंधित 3 मार्कर प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा और साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि जो मैं बताती जा रही हूँ वो आप वहाँ पे लिखते जाएं। हमारी ये क्लास हर रविवार को रहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियो है ये सप्ताह में 2 दिन आए या 3 दिन आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़े। मेरे इस कोर्स से जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मैं ये वीडियो एक जो वीक है उसमें 2 से 3 बार ला पाऊँगी, ताकि अब 3 मार्कर जो क्वेश्चन हैं आपके वो जल्दी से कंप्लीट होते जाएं। आज का जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में जो पुरापाषाण काल है, हड़प्पा सभ्यता है, उससे संबंधित जो भी 3 मार्कर आ सकते हैं तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो इसके आगे के वीडियोस हैं मिलते रहें। आप ये 3 मार्कर क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, तो 3 मार्कर्स के लिए मैंने एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही आप एमपी करंट अफेयर डेली PDF में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो एमपी करंट अफेयर्स के नाम से है। तो क्या होती है ग्रिड प्रणाली? तो देखिए, जो ग्रिड प्रणाली है, पहले मैं ओरली आपको समझा देती हूँ। जो ग्रिड प्रणाली है वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक यूनिक विशेषता थी कि वहाँ की नगर नियोजन, मतलब वहाँ पे नगर की जो व्यवस्था थी वो बहुत, जैसे कि हमारे यहाँ आजकल कॉलोनीज बनती हैं, एक सी नली निकली रहती है, एक से घर होते हैं, तो उस टाइप की सिंधु घाटी सभ्यता में मकान बने होते थे। तो ये जो ग्रिड प्रणाली है ये नगरी नियोजन की ही एक व्यवस्था है। इसमें क्या होता था, जो शहर होते थे आयताकार खंड में विभाजित रहते थे और जो गलियां और सड़कें थी बिल्कुल इस तरीके से बनी होती थी आयताकार में कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये ग्रिड प्रणाली थी। अब हम इसको 3 पॉइंट में कैसे लिखेंगे। नंबर 1, यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनोखी विशेषता है। नंबर 2, इसमें शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित रहते थे। नंबर 3, गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये हो गया आपका ग्रिड प्रणाली। सेकंड क्वेश्चन है, अरण्यक क्या है? अरण्यक क्या है? तो अरण्यक का मतलब होता है अर्थ, अगर अरण्यक एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है वन। तो अरण्यक जो ग्रंथ है, हम यहाँ वेद से संबंधित पढ़ना है ये क्वेश्चन, तो अरण्यक जो ग्रंथ है क्या होता था, जो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो वनों में बैठकर ग्रंथ लिखते थे, वनों में बैठकर ही कथाएं लिखते थे, कई विषयों का वर्णन करते थे। तो वन में जो पढ़ा जाने वाला ग्रंथ या वन में लिखा जाने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है, अरण्यक कहलाता है। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है, दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का इसमें वर्णन है। कैसे विषय रहते थे, उदाहरण लिख लिया हमने। अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं और एक पॉइंट, जैसे कि कोई चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं, किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग होता है, तो एक पॉइंट में हमें उसका उपयोग लिख दे रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम उदाहरण देके समझा सकते हैं, तो एक पॉइंट में हमें उसका उदाहरण लिख देना है। तो अरण्यक क्या है, इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है, उदाहरण आत्मा, मृत्यु या जीवन का वर्णित ग्रंथ। प्रामार्जक पर टिप्पणी लिखिए। प्रामार्जक मतलब क्या होता है, क्या हो? ये एक प्रकार का औजार है और ये जो औजार है इसमें कई प्रकार की धातुएं मिली हुई हैं, तो अनेक प्रकार की धातुओं के मिश्रण से बना औजार। इसका प्रयोग कार्य में किया जाता है, इसका प्रयोग बर्तन को चमकीला और चिकना बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी 3 मार्कर आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, साथ ही मेरा जो पेड ग्रुप है प्राचीन इतिहास का, उसमें आपकी ये PDF अभी डाल दी जाएगी। तो प्राचीन इतिहास के पेड ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसको अभी अपना प्राचीन इतिहास के रजिस्टर में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मत्स्यमाला क्या है? तो ये मत्स्यमाला भी एक प्रकार का औजार है।
क्या होता है ये कटीला तथा नुकीला औजार है। सेकेंड पॉइंट, हड्डी और पत्थर का ये बना होता है। किसका बनता है? हड्डी और पत्थर का ये बना होता है। इसका प्रयोग जल जीवों को पकड़ने में होता है। तो मत्स्यमाला क्या है? कटीला और नुकीला औजार है, हड्डी और पत्थर का बना होता है, प्रयोग जल जीवों को पकड़ने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्वे संस्कृति। फ्रेंड्स, अगर 2020 में सिलेबस चेंज होता है तो आपको क्या है कि एक के दो पंक्ति में जो लिखना है तीन मार्कर, तो ये जो तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट की जगह आप दो लिखिएगा, ज़रूरत है। अगर जहाँ पे एक पॉइंट में आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है तो आप वहाँ पे एक पॉइंट ही लिखिएगा। जॉर्वे संस्कृति क्या है? तो महाराष्ट्र में पाए जाने वाले अवशेष के नाम से पुकारी जाने वाली, महाराष्ट्र में जो अवशेष होते थे उस उनको उनकी जो संस्कृति कहलाती थी वो जॉर्वे संस्कृति कहलाती थी। तो महाराष्ट्र में पाए गए अवशेष के नाम से पुकारी जाने वाली संस्कृति, इसमें क्या होता था? जो लाल बर्तन होते थे जिनकी अंदर की सतह लाल होती थी और बाहर की जो जो कृति कर देते थे, कलाएँ बनाते थे उस पर काले रंग का कलाएँ बना देते थे, तो लाल बर्तन पे काली कलाकृति के साथ ये इसके जो बर्तन मिले हुए हैं। कब की है मानी जाती है ये संस्कृति? तो 1600 से 1000 ईसा पूर्व की ये संस्कृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म प्रमाण। जो प्रथम मानव जीवाश्म प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो जो मानव, जो ऐसा माना जाता है, जो हमारा जो मानव है प्रथम जो व्यक्ति था वो अफ्रीका में सबसे पहले आया, तो प्रथम मानव जीवाश्म भी वहीं होगा। तो अफ्रीका की मानव जाति का पालना जो मूल स्थान माना जाता है, अफ्रीका के कहाँ पे माना जाता है? अफ्रीका के हादार लितोली से मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्रथम मानव जीवाश्म वहीं से प्राप्त हुआ है, वहीं का प्रथम मानव रहा होगा। हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनोरा से भी ये प्राप्त हुआ है, इसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। पुरापाषाण युग, देखिए पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण युग, तीनों के तीन तीन मार्कर आपको लिखना ही है। आज हम पुरापाषाण युग पढ़ेंगे। तो पुरापाषाण युग प्राचीनतम, प्राचीनतम मतलब होता है तम लग गया किसी चीज़ें, मतलब वो सबसे पुराना है। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है। ऐसे ही हिंदी में अगर तम लग जाता है तो मतलब वो सबसे ही पुराना है। तो प्राचीनतम पत्थर का युग जो है वो पुरापाषाण युग कहलाता है। वर्तमान मानव जाति के पूर्वजों ने भारतीय उपमहाद्वीप में रहना शुरू किया। इस युग में ही हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में रहना शुरू किया। इसका समय, कोई भी युग अगर आ रहा है आपको लिखने के लिए तो आपको इसकी समय अवधि जरूर ही लिखना है। तो समय कब से रहेगा? 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है हथनोरा। हथनोरा क्या है? हथनोरा हमारे मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी के पास है, जहाँ से एक कंकाल प्राप्त हुआ है मानव का। तो 1982 में ये प्राप्त हुआ हथनोरा प्रमाण, नर्मदा घाटी के हथनोरा मतलब होशंगाबाद से ये प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त ये प्रथम प्रमाण है। नॉर्मल अगर पहला देखा जाए तो अफ्रीका है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप से कौन सा मिला है तो वो हथनोरा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म यज्ञ को समझाओ। क्या है? ब्रह्म यज्ञ को समझाओ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है कि इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। और क्या होता है? देखिए जो यज्ञ क्या होते हैं, नॉर्मली हम लोग जब पूजा करते हैं तो भोग लगाते हैं भगवान को, तो ये अग्नि के माध्यम से लगाते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो अग्नि है, अग्नि के द्वारा ही भगवान को हम बुला सकते हैं। तो जो जो पुराने लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब पूजा करते हैं तो यज्ञ ही मेन करते हैं। और हमने हमारे धार्मिक जो जितने भी नाटक हैं उनमें देखा है कि बहुत मतलब लमसम स्तर पर यज्ञ होता है, बहुत सारे ऋषि मुनि करते हैं। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जो अग्नि है वही हमें भगवान तक पहुंचाएगी, मतलब मानव और भगवान के जो दर्शन कराएगी, और मतलब एक जो माध्यम है मानव का भगवान तक पहुँचने का वो अग्नि है। तो यज्ञ मतलब, यज्ञ से मतलब ही होता था कि हम भगवान तक पहुंच रहे हैं, हमारी बात भगवान तक पहुंच रही है। तो इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता था। ये यज्ञ करवाया जाता था, तो यज्ञ के माध्यम से क्या होता था, व्यक्ति प्राचीन विद्वानों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते थे।
नेक्स्ट है सम्यक दर्शन। ये जैन धर्म का दर्शन है। तो जैन धर्म के तीर्थकरों तथा उनके, यहाँ हमको पूरे नहीं लिखना है दर्शन, हमको जो पूछा है वही लिखना है, एक्स्ट्रा अपना बुद्धि नहीं लगाना है। तो जैन धर्म के तीर्थकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास सम्यक दर्शन कहलाता है। जैन धर्म के तीर्थकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आप चाहते हैं कि वीक में 2 दिन हो या 3 दिन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा लोग देखेंगे तो ये वीडियोस जो है 3 मार्कर वाला हम जल्दी वीक में 2-3 बार ला पाएंगे, ताकि आपके जो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो जल्दी कम्प्लीट हो जाएँ पूरे, अदरवाइज़ वो हर वीकली ही आएगा। होलोसीन युग क्या है? होलोसीन युग की एक भौगोलिक अवधि है। होलोसीन मतलब नूतन युग बोला जाता है। नूतन भूकाल अवधि के बाद ये शुरू हुई। एक नूतन भूकाल क्या होता है कि जो नया, जो अभी हमारा वर्तमान समय आ रहा है, उसका जस्ट पहले का जो समय है वो नूतन भूकाल कहलाता है। और ये होलोसीन जो युग है वो नूतन भूकाल अवधि के बाद शुरू हुआ। वर्तमान युग तक ये रहता है, वर्तमान युग तक है नूतन भूकाल अवधि के बाद, मतलब जो जो हम रह रहे हैं ये होलोसीन अवधि। कब इसका प्रारंभ हुआ? ये करीब 10,000 वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है विदारक क्या है? विदारक किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक पुरापाषाण युग का ये बना होता है। विदारक क्या है? प्रारंभिक पुरापाषाण युग का ये बना होता है। चौथी रुखानी जैसा ये धार वाला होता है। चौथी रुखानी जैसा धार वाला होता है। 2 बड़े सलकों के मिलने से इसको बनाया जाता है, इसको विदारक को। नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि से आप क्या समझते हैं? तो 3री सदी ईसा पूर्व से 1री शताब्दी तक के काल में ये लिपि यूज़ की जाती थी। दाहिने से बाहिनी ओर ये लिखी जाती है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है नूतन भूतल युग। नूतन भूत, जैसे कि अभी हमने होलोसीन युग पढ़ा, हमने वहाँ पढ़ा कि नूतन भूतल के बाद वो प्रारंभ है। तो यही नूतन भू मतलब हाँ आधुनिक जो हमारा समय चल रहा है उसके जस्ट पहले का समय, मतलब वर्तमान युग के पहले का काल नूतन भूतल युग कहलाता है। इस युग में ही वर्तमान मानव का अवतरण हुआ। बैल हाथी घोड़े का ये विकसित रूप बना। नेक्स्ट है अवल क्या है? अवल पत्थर हड्डी धातु के नुकीले औजार हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अवल क्या है? पत्थर हड्डी धातु के एक नुकीले औजार है। किसके मतलब अवल भी क्या है एक प्रकार, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं पढ़ा तो आप अवल के बारे में कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। और 3 मार्कर जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। तो पत्थर हड्डी धातु के नुकीले औजार होते हैं। इनको जो अवल होते हैं इनको रंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंधक भी कहा जाता है। और इनका प्रयोग चमड़े में लकड़ी में छेद करने में होता है। नेक्स्ट है गंडासा क्या है? गंडासा क्या है? तो गंडासा प्रारंभिक पुरापाषाण का ही बना औजार है। बटिया पर यह बनाया जाता है और काटने में इसका प्रयोग होता है। काय में होता है? काटने में इसका प्रयोग होता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा यही इतने ही प्रश्न थे। आगे के प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का पैकेज है। हार्ड कॉपी का 8500 रुपये का है, सॉल्ड पेपर का 2000 रुपये का है। ये सॉल्ड पेपर कुरियर सहित आपका ये चार्ज लिखा हुआ है। और ये सॉफ्ट कॉपी अगर आप लेते हैं, जो अब ये 3 मार्कर पढ़ा है, ये आपको सभी मिलेगा। पेड ग्रुप में भी आपको ये 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। 21 पेड ग्रुप किस प्रकार की? आपका सॉल्ड पेपर की कॉपीज़ है, इस प्रकार की कॉपीज़ आपको सॉल्ड पेपर की मिलेंगी। अगर आप नोट्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सॉल्ड पेपर भी मंगा सकते हैं। और ये मेरे पेड ग्रुप हैं, इनमें आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाएंगे। ये PDF जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री की है, अभी थोड़ी देर में मैं एंशियंट हिस्ट्री के ग्रुप में दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।